तो दादा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर। राम नरेश भैया के साथ आज बहुत मजा आया। हाँ, राम नरेश भैया ने बहुत बहुत चीजें बताई, LR की बात बताई, एक गार्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें था वो भी हमको बताया। इन्हीं के साथ रहा मैं ऑल टाइम, और भाई फिर इनका एक्टिव वाले के भी गया चश्मे में, तो दादा आप एकदम कैप्टन ड्यूम लग रहे हो यार। बैठे बैठे काफी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं, जिसमें से एक जो काफी टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें वो पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स कोटे का क्या सीन है। तो भाई आज मैं पता करता हूँ, बातें करता हूँ कि स्पोर्ट्स कोटे का क्या सीन है दोस्त। तो आज आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल मैं आ चुका हूँ टूला, और आज मेरा PME है, अभी बस जाता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, और उसके बाद अब आपको मिलते हैं हॉस्पिटल में या फिर जहाँ भी कुछ होता है वहाँ। चलो, इस वक्त हम टूंडला हॉस्पिटल में हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबको पता है कि इस वक्त मेरा आज PME है। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो जस्ट हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारा पंजीकरण हुआ। तो पंजीकरण हमारा ये है, मतलब एक तरीके से जस्ट लाइक दिस रजिस्ट्रेशन, जैसे मुझे एक नंबर मिला है, बाकी इसमें सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम गए डॉक्टर के पास, उसने जो हमारा PME लेटर था वो उसने अपने पास रखा। उसके बाद उसने हमको पहला लेटर दिया है जिसमें हमारा यूरिन टेस्ट है। तो आज आप PME की पूरी कहानी देखेंगे, शुरू से लेकर एंड तक। एक ट्रेन मैनेजर का होता है PME की। अगर हम बात करें तो PME 4 साल बाद होती है, यानी जब आपका रेलवे में जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आपका मेडिकल होता है, उस डेट से 4 साल लगता है। तो 4 साल बाद फिर से ये हमारा मेडिकल होता है, जिसको हम PME यानी पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन ये होता है। तो बस आज वही है, अब जाते हैं यूरिन टेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तो जय जय भारत। चलो मिलते हैं आपको। फिर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे कि जो ड्यूटी के दौरान हम लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। तो अभी पहले रुकते हैं, फिर आपसे चलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और पहले तो सबसे पहले थैंक्स टू हमारे राम नरेश भाई, एक्चुअली माय गार्ड साहब का चश्मा जो हमें पहने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी वर्किंग के दौरान, मतलब अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, जो मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, बाकी अब आपके ऊपर है आप इसे कितना फॉलो करें, और वो ये है कि जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर हम लोग ट्रेन मैनेजर हैं, किसी भी फील्ड में आपके जो भी सीनियर्स हैं ना, आप सबसे पहले उनका कहना मानिए, या वो जो भी चीज़ आपसे कह रहे हैं उसे, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, उस चीज़ को करिए, क्योंकि ये लाइफ की पहली LR है जब आप वर्किंग में होते हैं। तो ये LR है, जैसे कि अभी हमारे राम नरेश जी ने मुझसे एक काम बोला, मैं तुरंत उस चीज़ को मैंने किया। अब मैं जस्ट जा ही रहा हूँ हॉस्पिटल सामने, मैंने कहा लेकिन आप लोगों से पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ये गॉगल चला जाएगा, और मुझे लगा ये शायद गॉगल थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसी में आपसे बात करता हूँ। भाई थैंक्स भी उनको बोलना था उनके गॉगल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी LR है आपके लिए कि मैं एक्चुअली से फॉलो करता हूँ, कुछ भी काम हो आप, ऐसा नहीं कि कुछ लोग अगर ये सोचे कि अरे यार ये हमसे ऐसा कह रहे हैं, नहीं नहीं भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप जो भी आपको चीज़ कह रहे हैं आप उसे सबसे पहले कीजिए, और उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, सीनियर्स की हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ एक और है, जैसे कि अब हम लोग हैं, हम लोग अगर कभी ट्रैवल करते हैं, या अगर गार्ड साहब के ब्रेक में जा रहे हैं, ट्रेन मैनेजर के, सीनियर ट्रेन मैनेजर्स के ब्रेक वन में, यानी चाहे हमारा ब्रेक हो या उनका ब्रेक हो, ठीक है, SLRD हो, तो उसमें जब भी आप चढ़ो तो सबसे पहले, चाहे आप कितने भी पुराने हो, आपको कितना भी लोग जानते हो, लेकिन सबसे पहले आप उनसे परमिशन लीजिए इस चीज़ की कि सर हम लोग यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, और ट्रेन मैनेजर है, तो वो खुद ही खुश होकर बोल देंगे अरे भाई क्यों पूछ रहे हो भाई। लेकिन नहीं, वो बेशक आपसे कितना भी बोले, लेकिन आपको फर्स्ट है, आपको उनको अपना इंट्रो देना होगा, कहाँ से कहाँ तक का ट्रैवल है वो उन्हें बताना होगा, क्योंकि इससे क्या है ना, उन्हें भी अच्छा लगे। जैसे हम लोग कभी स्पेयर वर्किंग करते हैं, तो जब हमारे TT महोदय होते हैं, ऐसा नहीं कि हम जाके तुरंत गाड़ी में घुस जाएं और जाके बैठ जाएं, नहीं नहीं, पहले हम TT महोदय को ढूंढते हैं, TT महोदय से बात करते हैं कि सर हम लोग स्पेयर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का हमारा है, तो अगर सीट हो तो आप हमें अलॉट कीजिए, और वो खुशी खुशी सीट हमको देते हैं। तो ये लाइफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे आप सब प्लीज़ फॉलो कीजिएगा।
ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मान लीजिए कभी आप कहीं फंस रहे हैं और कभी ऐसा हुआ तो लोग आपको जानेंगे भी, और अगर आपका कोई काम फंस रहा हो, अगर आप वो हैं तो शायद आपको वो काम भी ईजिली हो जाए। तो ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई, तो आप इसे कीजिएगा। अभी मैं राम नरेश जी का ही एक्टिवा है और अभी मैं उन्हीं के काम से गया था, मैं फट से मैंने 5 मिनट वो काम किया और मैं फटाक से आ रहा हूँ। उसके बाद अभी पीएमई में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया था यूरिन टेस्ट हुआ है, आगे अभी पता नहीं क्या प्रोसेस है, देखते हैं। और दूसरी चीज़, आज हम एक ALP से मिले थे, उनका A1 टेस्ट है, हमारा A2 मेडिकल टेस्ट है, तो उनसे काफ़ी सारी बात करिए। तो आज आपको एक ALP मतलब एक ड्राइवर साइड का क्या PME होता है, एक गार्ड साहब की साइड का क्या PME होता है, दोनों चीज़ बताएंगे, दोनों चीज़ कंपैरिजन बताएंगे। तो चलो ठीक है, बने रहिए, चलते हैं, जरा गॉगल होने देते हैं, एक्टिव होने देते हैं, जो सामान है वो होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार। अभी वेटिंग चल रहा है, अभी नहीं आया है नंबर, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी जो पेशेंट्स हैं अभी उनको देखा जा रहा है, उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। तो अभी जस्ट अभी यूरिन हुआ है और अभी हम थोड़ी देर पहले, आपको पता है अभी मैं बाहर गया था, अभी उसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारे गार्ड राम नरेश जी ने एक काम दिया था वो हम करके आ गए हैं। फिर अभी वेटिंग चल रहा है तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर ले जाए, और मैंने एक हमारे ALP हैं, मैंने उनसे ही बात किया था, तो लाओ आपको उनका ही बता देते हैं। अब एक कंपैरिजन बता देते हैं दोनों का, क्योंकि एक हमारे दिनेश कुमार आचार्य है, उसका हो चुका है, मतलब उसका आई थिंक मैंने PME शायद 3-4 दिन पहले हुआ था, तो उसने मुझे सारी चीज़ें बता दी है। तो अब हम आपको दोनों चीज़ें बताते हैं। अगर हम ALP यानी A1 की अगर हम बात करें, टाइप A1 जो ड्राइवर साइड होता है और टाइप A2 जो गार्ड साइड रहता है, A1 में क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है। स्टार्टिंग अगर हम करें तो यूरिन होता है उनका, ब्लड होता है, ब्लड चेक होता है, ठीक है, उनका ECG होता है, और ECG के बाद उनका एक्सरे होता है, और एक्सरे के बाद वो जो आइज़ का सारा कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब मेरा होगा कि उसमें क्या क्या चेक किया गया था, वो उनका होता है। और अगर हम गार्ड साइड की बात करें तो हमारे यहाँ पर जस्ट यूरिन ब्लड नहीं होता है, ठीक है, एक्सरे भी नहीं है इसमें, अब बस जस्ट आइज़ वाला है। तो अभी जब आइज़ वाला हो जाएगा वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्या क्या उसमें देखा गया था, क्या क्या पढ़वाया गया था, आइज़ कैसे क्लोज करवाई गई थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर बाद जब मेरा वो हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम था तो आप लोगों से बात कर ली जाए। तो ये था टाइप A1 जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं यूरिन से करते हैं, ब्लड से करते हैं, ECG से करते हैं, और एक्सरे करते हैं, देन का आइस का रहता है। और अगर हम ट्रेन मैनेजर की बात करें तो उनका यूरिन रहता है और आइसोलेटेड सारा होता है, उनका ECG और ये एक्सरे नहीं होता है PME में। PME के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए PME 4 साल बाद होता है, ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब एक मेडिकल जो होता है आपका एग्ज़ाम के बाद, वो मेडिकल से लेके अब आज तक की डेट का ये जो गैप होता है वो 4 साल का होता है। तो उस 4 साल में आपका होता है PME। और अगर रिफ्रेशर की बात करें, जैसे कि अभी शायद मेरा रिफ्रेशर होता, मैंने आप लोगों को बताया था, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिफ्रेशर जो होता है वो हर 3 साल बाद होता है। इस बार हमारा ऑनलाइन था, लेकिन अब चंदौसी स्टार्ट हो गया तो लोग अब चंदौसी जा रहे हैं, वहाँ रिफ्रेशर कर रहे हैं। रिफ्रेशर हर 3 साल बाद होता है और PME हर 4 साल बाद होता है, जो मेरा आज है। मेरा जो मेडिकल हुआ था, मेरा हुआ था 26 दिसंबर 2018 को, और आज मेरा हो रहा है, टुडे इज 7 दिसंबर, साथ ही है ना, हाँ 7 दिसंबर 2022। तो आप लगा लीजिए पूरा राउंड फिगर में 4 साल मेरा हो चुका है, ठीक है। तो ये सीन है भाई, हाँ हमारे गार्ड साहब हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी देखो और क्या क्या होता है, क्या क्या अपडेट आप पता चलती है आपको बताते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बस, तो बने रही सरकारी मुद्दों के साथ, अपना आइस वाइज वाला करवा के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, और कल से अपना ड्यूटी आज ऑफ करेंगे सारी चीज़ों के बाद, रिपोर्ट के बाद, और फिर कल से ड्यूटी करेंगे। तो आज आपको सारा PME का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सब बताएंगे, ठीक है। तो बने रही सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार। सब कुछ हो चुका है और टाइम हो रहा है इस टाइम 15:30, और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फाइनली ये लेटर भी हमको मिल चुका है फिट का, तो सारी चीज़ें हमारा एकदम ठीक निकला, एकदम परफेक्ट निकला, जिसमें काफ़ी सारे टेस्टेज है आया गार्ड साहब, काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस था, कलर विजन था, डिस्टेंस था, और अक्षर्स का था, प्लस सर्कल थे वो कट फॉर्म में थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर है उसका, वो सारी चीज़ें थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा हमारा, हमारे गार्ड साहब का सब। अब हम लोग चल रहे हैं अपने रफ्तार के साथ। अरे राम नरेश भैया, हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऐसे रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहें। रुको रुको, आपका गॉगल का, गॉगल नहीं लगाया, गॉगल लगा, सब लगाएंगे, लगा के दिखाओ जल्दी, सबको मालूम पड़ जाएगा तो ये वाला गॉगल था जो मैं लगाया था। ये आई, चलिए दादा।
तो भाई सारी चीज़ें हो गई हैं और राम नरेश भैया का भी एकदम परफेक्ट बैठा, बाकी हमारे सारे जो गार्ड साहब आए थे सबका एकदम परफेक्ट बैठा है, मेरा परफेक्ट बैठा है। ये अब हमको लेटर मिला, अब ये हमको अपने ऑफिस में जमा करना है, एक कॉपी इसके अपने पास रखनी है और अभी 17:55 ऑफ के बाद कल से अपना ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा था डॉक्टर साहब के साथ, बहुत अच्छा रहा, बॉन्ड अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छी सारी चीज़ें पूछी, कल है ना अक्षर पूछे, कलर्स का पूछा और इवन पढ़वा के देखा, एक स्टैंजा था वो भी पढ़वा के देखा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आई थी। वैसे एक डिस्टेंस पे बिठा के कुछ हाँ ऑफिस चल रहा है ऑफिस ठीक है, और उधर क्या सर्किल था कट फॉर्म में था, उधर किधर से ओपन है, ये सारी चीज़ें पूछा, तो ऑल सेट था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और बाकी बहुत दूर दूर से लोग आए थे, स्टेशन मास्टर्स भी आए थे, कोस्मा से भी आए थे काफ़ी लोग, और भी काफ़ी लोग थे, और लोगों का भी था एक्चुअली। तो सब कुछ हो चुका है, तो बस थैंक यू सो मच एवरीवन और थैंक यू गॉड कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, और अब बस इसको जमा करते हैं और निकलते हैं घर, फिर कल से ड्यूटी ज्वाइन होगा और कल से अपना ड्यूटी का सफ़र स्टार्ट होगा। तो दादा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत सुंदर। राम नरेश भैया के साथ आज बहुत मज़ा आया। हाँ राम नरेश भैया ने बहुत बहुत चीज़ें बताई, LR की बात बताई, एक गार्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो भी हमको बताया, इन्हीं के साथ रहा मैं ऑल टाइम, और भाई फिर इनका एक्टिव वाले के भी गया चश्मे में, तो दादा आप एकदम कैप्टन ड्यूम लग रहे हो यार। मैं आपको इसका ब्लॉग का लिंक भेजूंगा, ठीक है, आप नंबर दीजिएगा मेरे को। तो ये सारी चीज़ें थी, तो बस अब फिलहाल चलते हैं और अब आपको मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी नई ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। और हाँ एक चीज़ आपको और बता दें, अभी जब मैं बाहर खड़ा था तो मैंने आप लोगों को पता इंडिपेंडेंस डे पे जब हमने यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है ठीक है जिसमें हम लोगों ने शूट किया था इंडिपेंडेंस डे, आप अगर नहीं देखा हो तो आप लोग देखिएगा, जिसमें NCC के बच्चे थे। तो हुआ क्या था, हम और हमारे एसयू खान साहब हम दोनों बाहर खड़े हुए थे, तो बच्चे आए और सोचो बच्चों ने मुझे पहचान लिया कि अरे सर भैया आप वही है ना यूट्यूब वाले, आपने वीडियो बनाया था हमारे स्कूल पे, उसमें हम भी हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छा लगा उन लोगों ने पहचाना, तो यही सब है। तो बस अब एंड करते हैं, अब दादा के साथ निकलते हैं, बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है, क्यों राम नरेश भैया भूख लग रहा है? नहीं बहुत ज़्यादा। राम नरेश भैया तो बोल भी रहे थे यार कि खाने का टाइम हो तो हम लोग जाएँ, लेकिन एक्चुअली टाइम हमारा पास था, तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, कुछ भी खाएंगे और पहले ऑफिस जाके से जमा करके दैन कुछ खाएंगे, दैन फिर मैं ट्रेन पकड़ के घर निकलूँगा और फिर कल मिलते हैं आपको नई से नई ब्लॉग के साथ ड्यूटी के साथ। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो गए उधर, सुल्तानपुर का अच्छे से हो गया, हमारे साले सभी शादी थी वो बहुत अच्छे से हो गया, दीदी के प्रोग्राम सारे अच्छे हो गए, प्लस अब ये अपना मेडिकल भी बहुत अच्छे से हो गया। बस अब सब चीज़ों से हम फ्री हैं, सब चीज़ों से हम फिट हैं, कल से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और आपसे मिलेंगे एक नई ब्लॉग नई स्टोरी के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ। तब तक आज राम नरेश भैया से ब्लॉग एंड करूंगा। राम नरेश भैया मैं जब ब्लॉग एंड करता हूं तो मैं जय हिंद जय भारत बोलता हूं, ठीक है? तो आप बोलिए, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तब। तो मिलते हैं नई स्टोरी नई ब्लॉग के साथ, तब तक बने रहिए सरकारी मुद्दों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।